गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है फ्लेगिस्मा ऑफ वीट। फ्लेगिस्मा ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय यूरोसिस्टिस ट्रिटिसाई, वाज एन इम्पॉर्टेंट डिजीज इन विक्टोरिया। फ्लैग और स्मट और स्ट्राइप स्मट ऑफ वीट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन साउथ ऑस्ट्रेलिया इन 1868। टिपिकल लॉस रेंज इन ऑस्ट्रेलिया इज 5-20%, वेयर एज इन इंडिया इट लॉसेस ड्यू टू फ्लेगिस्मा इज 3-5%। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें इस डिज़ीज़ का, तो ये वर्ल्ड वाइड डिजीज़ है जो जापान, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, यूरोप, साउथ अफ्रीका और यूएसए में प्रेजेंट होती है। इंडिया के अंदर ये हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में दिखाई देती है। इस डिजीज़ के अगर हम सिम्टम्स देखें तो अर्ली सिम्टम्स इंक्लूड लेप्रस स्पॉट्स, एंड दिस स्पॉट्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ग्रे टू ग्रेश ब्लैक और सोराई के रूप में होते हैं। और सिम्टम्स कैन बी सीन ऑन स्टेम, कर्न, लीव्स फ्रॉम लेट सीडलिंग स्टेज टू मेच्योरिटी। द सीडलिंग इन्फेक्शन लीड्स टू ट्विस्टिंग एंड ड्रोपिंग ऑफ लीव्स फॉलोइंग द विदरिंग। ग्रे टू ग्रेश ब्लैक सोराई अकर्स ऑन लीफ प्लेट एंड शीथ। द सोरस कंटेन्स ब्लैक पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स। यहाँ पे हम लीफ कर्लिंग देख रहे हैं। इसका क्लासिफिकेशन यदि हम देखें तो यूरोसिस्टिस जो इट कम्स अंडर किंगडम फंजाई, फाइलम एसिटियोमाइकोटा, क्लास अस्टिलेजो लेगोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरोसिस्टिडेस, फैमिली यूरोसिस्टिडेसी, जीनस यूरोसिस्टिस एंड स्पीशीज एग्रोपाइल। ये इसके स्पोर्ट्स हैं, बेसिटी स्पोर्ट्स। ये इसका डिजीज साइकिल है कि जो मतलब हेल्दी प्लांट होता है, जब ये स्पोर्ट्स के कॉन्टैक्ट में आता है तो इसके हाइफीज जो हैं वो ग्रो विद इन द होस्ट प्लांट, और ये क्या करते हैं, स्ट्रीक्स और ये मतलब अपने जो सिम्टम्स हैं वो इसके दिखाई देने लग जाते हैं, और ये सोर जो स्पोर्स हैं ये सोराई फॉर्म कर लेते हैं। टीलियो स्पोर्स कैन रिमेन इन द लीव्स एंड सप्लाई द सॉइल विद इनोकुलम, और धीरे धीरे क्या होता है, ये टीलियो स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और बेसिडियो स्पोर्स जो हैं वो बनाते हैं। बेसिडियो स्पोर्स जो होते हैं ये जर्मिनेट होते हैं और रिजल्टिंग हाइफी गोज टू प्लाज्मोगेमी। फिर ये क्या करते हैं, अगेन न्यूली जो फ्यूज हाइफी हैं दे फॉर्म एन रिस्टोरियम एंड पेनिट्रेट द यंग प्लांट। तो इस तरह से इसका डिजीज सर्किल चलता है। एपिडेमोलॉजी या मोड ऑफ स्प्रेड कैसे होता है, द पैथोजेनिक सीड बॉर्न एज वेल एज सॉइल बॉर्न डिजीज है ये। बेसिडियस को जर्मिनेट टू प्रोड्यूस प्राइमरी माइसीलियम, और जो प्राइमरी माइसीलियम है, प्राइमरी इन्फेक्शन अकर्स बाय सोइंग इन्फेक्टेड सीड्स और बाय रेस्टिंग स्पोर्स प्रेजेंट इन द सॉइल। फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं कि यदि टेम्परेचर 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड हो और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65% है अबाव। मैनेजमेंट यानी इस डिजीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रीट द सीड्स विद कार्बोक्सिन और फॉलिक एंड ट्राई एडीफोन, ये सारे इसके वो हैं। एंड ग्रो रेजिस्टेंस वेराइटी, क्रॉप रोटेशन हम कर सकते हैं, ड्राई सीड ड्रेसिंग विद नॉन सिस्टमिक सच एस कॉपर कार्बोनिक एंड सिस्टमेटिक सच एस कार्बोक्सिन, ऑक्सी कार्बोक्सिन एंड पारे पैरा कार्बेड और बोलेड हैव ऑल्सो बीन यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दिस डिजीज। थैंक यू।